कोई टेंशन नहीं अपने जैसे बंदों को। यार सही बात है, एक बजे तक चालू है, जो कुछ भी होना तो है अकबर भाई के पास आके लेके जा सकते हो आप, और माजिद भाई के होटल पे चाय एक नंबर मिलती है, आप लेके पी सकते। जबरदस्त आयान, आपके इस खूबसूरती का राज क्या है? फैजा करीम। कैसा है ये होटल? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छी के साथ साथ यहाँ पे जो सफाइयत है उसके वजह से हम यहाँ आके होटल में चाय वगैरह कलाकंद और बहुत से लड्डू वो खाते हैं। और नौशाद भाई। हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। मैं सलमान भाई के साथ ब्लॉग बना रहा हूं। मैं कहां से भी निकाल तुझे बातों के बाद हम महसूस कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, तो मुझे मस्जिद में मिले हैं उज़ैब और ये है अमन। तो कैसा क्या आए थे तुम लोग हमारे मस्जिद में? आए थे नमाज पढ़ने के लिए। तो नमाज तो यहाँ पर हुजूरगंज मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है तुम्हारे एरिया में, पर लेट हमारे एरिया में क्या आने की क्या वजह है भाई? लेट हो जाता था नमाज के लिए। अच्छा, कुछ काम से भी आए थे क्या? मामा के पास आए थे। मामा के पास? अच्छा, तो आप बिल्कुल बड़े आवाज में बात कर सकते हो उज़ैब। तो मामा के पास आए वाले थे तो नमाज पढ़ लिया उधर हम लोग। अच्छा, अभी कहाँ पर जा रहे थे? अभी मार्केट में जा रहे ना अपन। मार्केट में कैसा, क्या आज बाजार है बोल के? हाँ, के लिए कुछ खास चीजों को देखने के लिए जा रहे क्या? वो तो नहीं जा रहे, मेरे दोस्त को छोड़ना है घर पे। अच्छा, मार्केट में जाके थोड़ा सामान ले लेना उसको। अच्छा, और आपकी टंकी भी फुल है ना पूरी आज? ओ माय गॉड, करीब से मेरे ऑटो वगैरह जा रहे हैं यार। और उज़ैब फरमाइए, आप क्या कर रहे हैं अपने जिंदगी में, हलचल क्या चल रहा? अभी तो मेरे 11 के एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, फिलहाल अभी अपन मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट की पब्लिक दिखाओ इनको। पब्लिक अभी यहाँ पर तो कम नजर आ रही मुझे, आगे बहुत रहेगी। और आपकी टंकी भी खाली करना है। अरे यहाँ पर स्कूल के बच्चे यहाँ जा रहे हैं, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, स्कूल के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ये हमारा मार्केट है देगलूर का, मतलब ये देगलूर का मार्केट, आज सैटरडे है इसलिए यहाँ पर बाजार होता है देगलूर में हमारे सिटी में। सामने है महात्मा बसवेश्वर का पुतला। आइस बॉस यार, उसे जरा संभल कर चलाओ यार। ओके हेलो अकबर, अकबर ही है ना? राइट राइट, ये मेरा बचपन का क्लासमेट है। टंकी दिखाओ ना अपने को, टंकी भी खाली यार। पुलिस आने रहना यहाँ पे, नहीं तो चुप, लाइसेंस वगैरह मांग लेंगे। नहीं 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 रहते पुलिस वाले। लाइसेंस है मेरा लेकिन घर पे, ये टाइम पे नहीं रहते पुलिस वाले। ये टाइम पे नहीं रहते हो? और नौशाद भाई आगे पब्लिक मिलेगी, आगे पब्लिक रहेगी ना यार। एक से एक बेहतरीन दुकान आ रहे रास्ते में ना, बहुत सारे, लेकिन क्या करें अभी हम गरीब लोग हैं, अभी कुछ नहीं खरीद सकते फिलहाल। वो तो है, कुछ कमाएंगे तभी खरीदा जा सकता है ना, पैसे रहेंगे तभी। अपन कहाँ जाने वाले हैं? अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर कमाएंगे। हाँ राइट, आप सपोर्ट करोगे तो हमें पैसे आएंगे और उन पैसों से हम यहाँ पर खरीद सकते हैं, फिर दुकान में शान से जाकर हम ब्लॉग बना सकते हैं। शहजान? हाँ भैया। तुम्हारा नाम शहजान भी है क्या? हाँ, निकनेम है शहजान। यार मेरे राइट हैंड में दर्द कर रहा है, मैं लेफ्ट हैंड में लेता हूँ फोन। चलो सही है, ऑटो में नहीं बज रहे, आगे बज रहे। अरे हाँ, वो ऑटो में बज रहे, फोंगा है उस पर। सिर्फ देगलूर में नहीं यार, हिंदुस्तान के हर एक कोने में मिले हैं करामती लोग, टैलेंट भरपूर पड़ा हुआ है अपने देश में। पर उतने नहीं मिलेगी। अच्छा, देगलूर में टोटल 3 ब्लॉगर हो गए। 3 ब्लॉगर? कौन कौन? एक आदिल हंटर है, हुए आदिल हंटर। हाँ, फिर आप, फिर एक मोटो ब्लॉगर भी होगा। मोटो ब्लॉगर कौन है वो? 390 है उसके पास डेली, मतलब दारा ब्लॉग। अच्छा, ये घुमड़ बेस के एरिया में हम लोग आ चुके हैं। ब्लर ब्लर क्यों मार रहा यार, फोकस आने में टाइम लग रहा है, इसको फोकस हट जा रहा। तो उज़ैब क्या बोल रहे तुम, व्लॉगिंग में गाली देते जाओ? मैं देते जाओ, अभी जो गाली दी आपने, जो ब्लॉग देखते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, इसलिए ब्लॉग में गाली नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बोला अमन आपने, देश का भविष्य हम लोग बिगाड़ नहीं सकते उज़ैब। ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। घर में कुछ लोग फैमिली के साथ भी ब्लॉग देखते हैं। हाँ, क्योंकि अपन काफी फेमस ब्लॉगर हैं देख लो, तो जो लेडीज वगैरह देखते हैं घर पर, उन पर गलत इम्पैक्ट गिरेगा, फिर वो बोलेंगे कि ये बच्चा खराब है, इसको कोई अब रिश्ता नहीं दे सकता, बच्ची को नहीं दे सकता इसको बोलेंगे फिर। अनफॉलो अनसब्सक्राइब मार सकते हैं वो यूट्यूब पर, एंड इंस्टा पर अनफॉलो भी मार सकते हैं ब्रो। एक अनफॉलो से क्या होगा? एक अनफॉलो से बूंद बूंद से समंदर बनता है मेरे भाई। जैसे कि अपन लोगों को बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, एक ने भी अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब किया
तो फायदा होता है या नहीं होता है? निन्यानवे और सौ में फर्क होता है या नहीं होता है? होता है, होता है। तो उसी तरीके से एक अनफॉलो अगर हो गया तो सौ से सीधा निन्यानवे हो जाएंगे। ऐसा अभी माजिद भैया की दुकान का रास्ता दिखाओ ना। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे ताया के बेटे के होटल में, वहाँ पर जाकर हम लोग क्या पियेंगे? चाय। चाय, लेकिन मैं तो चाय नहीं पीता। कुछ पी लो यार, ऑटो तो धूम चला रहा है। सफर नहीं दिख रहा है ऑटो वाले को, सफर अपन दिखाने का रहता, सफर अपन दिखाना पड़ता हो। ये हमारे बेंगलुरु के सबसे टॉप के दुकान है, सबसे फेमस ही है। ऐसा क्या? नाम क्या है इस एरिया का जरा बोलो? ये छत्रपति चौक है। ये हाईवे ब्रो, तो इसलिए जरा संभल कर चलाना, क्योंकि यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है। डायरेक्ट सीधा इन्ना लिल्ला हो जाएगा। फिर आप खर्चा कर रहे हैं क्या उसे भाई? आप करो बिल्कुल, हमने पेट्रोल का तो खर्चा कर दिया बाइक पर। टंकी फूले बतलाओ ना सबको। अरे टंकी तो फूले ना बस, मैं तो भूल गया था, आज पूरा टंकी फूले। आज दिन रात फिरना है, नाइट आउट पे जाना है। वारिस साहब ने टंकी फूल कर दिया अपने लिए, है ना? ब्लॉगिंग करते जाओ आप लोग। सही है यार, मेरा राइट हैंड बड़ा दर्द कर रहा है। नाम क्या है इस होटल का? महफिल। पुरानी होटल बेंगलुरु की, सबसे पुरानी होटल। बढ़िया, वहाँ पर माजिद भाई भी हैं। एक मिनट जूम मारेंगे माजिद भाई पर, सर पर हाथ रखकर खड़े हुए थे वो। हेलो जी। तो दोस्तों हम लोग बेंगलुरु के इस मशहूर होटल महफिल में आ चुके हैं। यहाँ पर अकबर भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सबसे चहीते भाई। अकबर भाई फरमाइए, कुछ बोलना है आपको? माशाल्लाह कारोबार अच्छा चल रहा है। सिगरेट पूरी मटेरियल, मीठा मटेरियल, सूखा मटेरियल और सिगरेट पान वगैरह सब मिल रहे हैं फ्लेवर के। आते जाइए, रात में एक बजे तक चालू है। बढ़िया बढ़िया, एक बजे तक चालू है, मतलब कोई टेंशन नहीं अपने जैसे बंदों को। सही बात है, एक बजे तक चालू है, जो कुछ भी होना तो है अकबर भाई के पास आके लेके जा सकते हो। माजिद भाई के होटल पे चाय एक नंबर मिलती है, आप लेके पी सकते। जबरदस्त आयन, आपके इस खूबसूरती का राज क्या है? फैजा करीम। फैजा करीम, बढ़िया। गोरी नहीं, फैजा की बात ही अलग है। ओ यार क्रीम नहीं लगा दो, मजाक कर रहा हूं। मजाक था, ये तो नेचुरल है। नमाज का दुआओं का असर है ये, माशाल्लाह। हम यार ऊपर गैरेज पे ये बड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम तायबा। बस अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसी है आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर सुलेमान भाई मिले हैं, इस देगलूर के काफी जाने माने हस्ती हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं सुलेमान भाई? पहले मैं माजिद भाई की तरफ कैमरा मारूंगा। सुलेमान भाई क्या बोले देंगे? क्या बात, कैसा है ये होटल? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छी के साथ साथ यहाँ पे जो सफाइयत है उसके वजह से हम यहाँ आके होटल में चाय वगैरह कलाकंद और बहुत से लड्डू वो खाते है। अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छी होटल है माशाल्लाह। ये होटल की बात पूरे देगलूर के होटलों में नहीं आती। अच्छा, पहले भी तो दाल के उठाए वाले तजुर्बा है, इससे पहले भी दाले थे और अभी भी दाले। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान भाई के साथ ब्लॉग बना रहा हूं। मैं कहां से भी निकाल तुझी बातों के बाद हम महसूस कर रहे हैं कि पहले के शहजान में आपके शहजान में बहुत डिस्टर्ब लग रहा है कि कुछ बन रहा है, बन रहा है। और हमारे साथ में हमारे दोस्त है नवाज। यार अपने दोस्तों मैंने वैसी बात नहीं है, अपने दोस्तों वगैरह मिले थे ना अभी, तो उनसे बातें करने में जरा वार उधर तब से तुम फोन लगाने में यार कौन है अरसलान फ्रेंड की एक मैसेज भी आया, आपके वर्ल्ड का मैसेज आया वहाँ पर, और आप कॉल किसी को लगा रहे तब से अरसलान फ्रेंड बोलकर। तो डम्मी अरसलान है या रियल वाला अरसलान है? रियल वाला अरसलान। ऐसा क्या नहीं, कई लोग क्या करते हैं फिर वो नाम चेंज करके डालते हैं फोन में, है ना? अमन देखो कितना हंस रहा है बंदा, चोरी चोर को पकड़ सकता है ऐसा कुछ लग रहा हो उसे। तो फिर चाय मांगे फिर अपन। दोस्तों तो ये है देश का भविष्य, दो दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, फिर ये बंदा फोन में लगा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। कॉल आया नहीं, कुछ भी आने दो, तो कॉल आने दो, कुछ भी आने दो, लेकिन ये हकीकत है। अब अमन अब न्यू जनरेशन ऐसे ही होने वाली है, फोन में ही जिंदगी होने वाली है लोगों की। और यहाँ पर चाय आ रही है, वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन भाई के होटल में आने के बाद चाय बिना पिए तो हो नहीं सकता। आपका नाम क्या है बड़े भाई? गंगाधर भाई। आप कहाँ के? कहाँ से आप? यहाँ के प्रॉपर। ये यूट्यूब पे व्लॉग बना रहे तो आप भी आ गए, हाय करो। नाइस। ये चाय बहुत अच्छी चाय है। अच्छा, तो आप दोनों ने बहुत ही अपना अच्छा अखलाकी फरीजा निभाया है,
मेरे चाय को बगैर हाथ लगाए आप दोनों ने पहले ही पी लिया। ये आप लोगों ने अपने मोहब्बत का जाम मुझे पिला दिया उसे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मेरी चाय ऐसे ही मौजूद है, कोई बात नहीं दोस्तों। वैसे तो सीधे हाथ से पीना चाहिए लेकिन क्या करें, सीधे हाथ में मेरा फ़ोन है एंड लेफ्ट हाथ में मैं फ़ोन पकड़ के कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए लेफ्ट हैंड से भी पीना पड़ेगा मुझे। बिस्मिल्लाह। कैसी लगी आपको? बेहतरीन। और अनाज को ऐब नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यार वाइड एंगल में कैसे रहा जरा ये भी चेक कर लेंगे, क्योंकि तब से मैं 1x में डाला तो तुम्हारा चेहरा जरा कट रहा था। उसे अब नहीं कटेगा शायद, उम्मीद करते हैं। ओके वाइड एंगल में जरा स्क्रीन भी बड़ी लगती। अरे अमन मैं उज़ैब को अभी तब से बोला तो तुम भी फोन में लग गए। नहीं मैं वाईफाई बंद करता हूँ, यूज कर रहा। और दोस्तों यहाँ पर अकबर भैया मुझे सौंफ के पूरा दे रहे हैं। तो निकलते हैं बोलते हो। जानी मानी पुरानी होटल अमरदीप है, दानिश भाई अंदर जाएंगे। कैसा है अभी हमने महफिल का प्रमोशन मार दिया है अपने भाई का, अब अपन अमरदीप का प्रमोशन नहीं मार सकते। ये भी है। और बोलिए अमन साहब आपका जिंदगी की भागदौड़ कैसी चल रही है? आज इन्होंने एक मैच में एक विकेट लिया। एक मैच में एक विकेट? 10 रन दिए पहले ओवर में। कौन सी मैच, टूर्नामेंट या नॉर्मल? टूर्नामेंट। वो बड़ी डीपीएल? हाँ। डीपीएल में खेल रहे हैं। फीस कितनी है? 5000 है। 5000 है तो तुम लोग वहाँ कैसे खेल रहे? अंकल की टीम है तो अमन बॉलर के तौर पे खेला गया, माजिद भैया ने कैच पकड़ी आपके भाई ने, दो डिसमिस किए अमन ने कैच पकड़ के। डीपीएल में मुझे एंट्री नहीं मिली आज तक, तुम लोग वहाँ खेल भी लिए? हर एक खिलाड़ी का सपना होता है बड़े मंच पे खेलने का। अच्छा अभी एक दिन होगा इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। और यहाँ पर है सामने महफिल होटल और उसके सामने हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और पीछे जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा रफाई गार्डन फंक्शन हॉल। दिल्ली के दो फंक्शन हॉल फेमस हैं, एक है रफाई गार्डन और एक है AMG फंक्शन हॉल। रफाई यहाँ पर है और AMG जो है आगे है ज़रा थोड़ा सा। और अमन साहब मुझे यहाँ पर फाड़ कर दे चुके हैं, मैंने दो पैकेट दिए थे, एक ही नजर आ रहा है मुझे। नहीं नहीं एक ही दिए अपने, एक आपके जिम में। अच्छा और हमने तो दो खाए। हाँ आपने तो दो खा लिए। ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं भूल गया कि मैंने जेब में डाला था, तो ये गफलत इतनी बुरी चीज़ है कि दोस्ती में कड़वाहट ला सकती है वो। है ना अमन? सही बात है। ओके तो अमन आप ये पकड़िए और ज़रा मेरी सीन लीजिए कि हीरो जो है अभी सौंफ खा रहा है, पूड़ी खाए सर। बोलो दुबा केसरी। कॉपीराइट आ जाएगा। चलो निकलते हैं अभी, निकलेंगे। तो गाइस हमारा व्लॉग आज खत्म हो चुका है। करीब आओ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक मार के चलिए। और करीब आ सकते हो आप, और स्पीकर पर से उंगली हटाइए, अब बेहतर वॉइस आएगी। बोलो ना कुछ तो, सब्सक्राइब मारो, फॉलो मारो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो उज़ैब साहब जो बोल रहे हैं आप लोग कर सकते हैं लेकिन अपने मर्जी से कीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो आप लोग डिसलाइक मार सकते हैं। अगर हम लोगों के बातचीत का अंदाज अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप अनसब्सक्राइब भी मार सकते हैं। इसे हमारा घमंड मत कहिएगा, इसे हमारा ओवर कॉन्फिडेंस भी मत समझिएगा। और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिए #diniyatsalman। हाँ और अगर मेरा वो अकाउंट भी आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे भी अनफॉलो मार सकते हैं अगर फॉलो किए हुए तो। जी बिल्कुल। और मैं अगर आपको ये और हो जा रहा कि तो मैं इंस्टा पे इतना अच्छा बोल रहा हूँ उनको। ठीक है दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को अगर आप लोगों को हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइस हम जैसे जूनियर ब्लॉगर्स का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक और फोकस मार दिया गया आपने भी। और इंस्टा पे हमें फॉलो भी की थी #diniyatsalman। diniyatsalman अपना अकाउंट का नेम है, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ओके ठीक है।